सूर्या की आ गई है कंगवा, जिसने ऑलरेडी काफी तबाही मचा दी है। थिएटर खचाखच भरा हुआ था सूर्या के फैंस से, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये मूवी थिएटर में देखने लायक है, क्या आपका पैसा वसूल होगा या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कंगवा मूवी देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड थी और फाइनली देख लिया। इस मूवी को देखने के लिए आपको लगभग 2.5 घंटे का वक्त निकालना पड़ेगा। अगर स्टोरी की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये मूवी 1500 साल पहले के जमाने में ले जाती है और डायरेक्टर का विजन भी काफी सॉलिड है। बेसिकली ये स्टोरी फॉलो करती है फ्रांसिस नाम के कैरेक्टर को, जिसे सूर्या ने प्ले किया है। फ्रांसिस एक बाउंटी हंटर है जो अपनी गर्लफ्रेंड और एक फ्रेंड के साथ रहता है। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि इसकी टाइमलाइन 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एक पीरियोडिक सेगमेंट है और एक मॉडर्न सेगमेंट। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन फ्रांसिस को एक लड़का मिलता है और वहीं से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है। उस लड़की का फ्रांसिस के साथ कुछ खास कनेक्शन होता है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है और कंगवा कौन है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखने पड़ेगी। इस मूवी का VFX, कलर ग्रेडिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छा है और पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अगर आप 2 टाइमलाइंस को इंटरलिंक कर रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और ग्रिपिंग नैरेटिव्स की जरूरत होती है, और यही पर ये मूवी थोड़ी वीक पड़ जाती है, जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फर्स्ट हाफ के बिल्डअप में काफी टाइम लग गया है, इस वजह से मेन कैरेक्टर्स आपको मोस्टली सेकेंड हाफ में ही दिखेंगे। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सूर्या ने 2 अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और दोनों ही रोल्स में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन बॉबी देओल को थोड़ा लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है, फिर भी उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। दिशा पाटनी का रोल सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित है। BGM की बात करें तो मूवी यहाँ भी थोड़ा कमजोर लगती है, क्योंकि इसमें ऐसे गाने नहीं है जिसमें आप कनेक्ट कर पाओ। मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग कैमियोज भी है और क्लाइमैक्स ऐसे है जो सेकेंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाता है। ओवरऑल कंगवा एक अच्छी मूवी है और एपिक सागा बनाने की कोशिश की गई है। ये एक क्लासिक बन सकती है, लेकिन ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में थोड़ी कमी है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 3 out of 5 stars। अगर आपको ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।